अगर आप इस बात को लेकर अपसेट हैं कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट ने जीएसटी रेट में कटौती होने के बावजूद फूड के दाम बढ़ा दिए हैं, या फिर कुछ रिटेलर्स जीएसटी से पहले के रेट चार्ज करें, या सप्लायर नई टैक्स सिस्टम का फायदा आपको देने से मना कर रहे हैं, तो आप एक फॉर्मल एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेन कर सकते हैं। असल में जीएसटी अथॉरिटी सहित कोई भी शख्स ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन प्रोसेस आसान नहीं है। एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेन के साथ आपको कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, ग्लोबल कमोडिटी डिस्क्रिप्शन सिस्टम और GSTIN डिटेल देने होंगे। शिकायत के साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ, इनवॉइस और प्राइस जैसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के अलावा एक डिक्लेरेशन भी देना होगा कि आपने जो सूचना दी है वह सही है। उस सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। एंटी प्रॉफिटिंग व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें पहले लेवल पर स्टेट लेवल स्क्रीन कमेटी, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, जहां शिकायतों की जांच होगी। अगर शुरुआती जांच के बाद समिति को पहली नजर में मामला नजर बनता आता है, तो इस पर व्यापक जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड के पास भेजा जाएगा। डायरेक्टर जनरल कंपनी की बैलेंस शीट और उसके खिलाफ लगे आरोपों पर जांच करेगी। अंतिम फैसले के लिए यह जांच रिपोर्ट नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। देश विदेश की बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।